हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पैट की फ्लैट एंड थेटिस में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा हम एक बच्ची का बेबी लेके आए, तो आज की वीडियो में उस बच्ची की बेबी को हैंड फीडिंग करवाने वाले हैं। हैंड फीडिंग कैसे करवानी है, उसका सही तरीका क्या है और क्या हम उसमें मिस्टेक्स करते हैं, आज सबको बताऊंगा। बहुत ही एहतियात से सुनना है आपने, और स्पेशली बच्ची का बेबी है क्योंकि काफी छोटा है। और अगर आपको ऐसा बेबी मिल जाता है या आपको मटकी में से गिरा हुआ मिल जाता है या आपको कोई फ्रेंड दे देता है या आप अपने बच्ची के बेबी को ट्रेन करना चाहते हैं या टेम करना चाहते हैं, तो आप उसको हैंड फीडिंग कैसे करवा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम सिरिंज कैसे यूज करें और कौन सी यूज करें और उसके ऊपर हमें ट्यूब लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कौन सी ट्यूब लगानी चाहिए, क्योंकि काफी सारे सवाल होंगे आपके माइंड में, मुझे पता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिरिंज की। आपको जो सिरिंज नजर आ रही होगी, ये मेरे पास है 3 ml की सिरिंज, जो कि आपको मेडिकल स्टोर से बहुत ही इजीली मिल जाती है। और उसके ऊपर जो मैंने ट्यूब लगाई है, ये आपको किसी भी साइकिल वाले के पास आप जाएंगे तो उसके पास काफी ट्यूब बड़ी होती है, आप उसको बोलेंगे कि भाई मुझे थोड़ी सी ट्यूब दे दो तो आपको दे देगा। कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं लेते हैं, तो मैं काफी सारी बड़ी लेके आया था, तो उसमें से मैंने छोटा सा पीस काट के ये लगाया, क्योंकि मेरे पास कॉकटेल के बेबी है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम कॉकटेल के बेबी लेके आए थे, उसको हैंड फिटिंग भी करवाई थी। तो अब दोस्तों, आपने इस ट्यूब को यूज कैसे करना है, सबसे मेन मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम यहाँ से इस ट्यूब को मजबूत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बेबी फीड ले रहा होता है तो यहाँ से निकल के बेबी क्रॉप में चले जाता है। और उसके अलावा हम क्या मिस्टेक करते हैं कि उसके जो ट्यूब है, क्योंकि हमारे पास को बच्ची का बेबी जब छोटा होता है तो हमने बहुत ही एहतियात उसके गले में ये ट्यूब उतारनी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलत ट्यूब जाने की वजह से या लग जाने की वजह से या उसके गले में उतारने की वजह से क्या होता है कि उसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी फीड लेना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है और हमारा बेबी एक्सपायर हो जाता है। तो हमने इस चीज़ों का एहतियात करना है, और क्योंकि हमारे पास बच्ची का बेबी काफ़ी छोटा है तो हम उसके क्रॉप में उसके हिसाब से ट्यूब उतारेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूब काफ़ी लंबी है तो उसके लिए काफ़ी सारी परेशानी हो सकती है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है कि बहुत एहतियात से हैंड फिटिंग करवानी कैसे है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अभी मैं आपको बच्ची का बेबी दिखाता हूँ, जो कि आपने कल भी देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम पहले फीड बना लेते हैं, क्योंकि हमारा पानी जो है वो ठंडा ना हो जाए। अभी मैं पानी को गर्म करके लेके आया हूँ, और हमने फीड कैसे करवानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फीड के लिए दोस्तों हमें तेज गर्म पानी लेना चाहिए, और आप अभी मैं फीड कौन सी यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको जार नज़र आ रहा है, इसमें मेरी होममेड फीड है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई, अगर आपको बाहर से कोई फीड नहीं मिलती है तो फिर आप बनाएं, अगर आपको बाहर से कोई फीड मिल जाती है तो अदरवाइज आप बाहर वाली ही यूज़ करें, लेकिन देख के यूज़ करें कोई अच्छे ब्रांड की, ताकि आपके बेबी बिल्कुल अच्छा और हेल्दी रहे, कोई एक्सपायर होने वाला कोई भी इसमें इशू ना हो। तो सबसे पहले ये फीड जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। अगर आप फीड बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि फीड कैसे बनी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ श्रीलैग, और श्रीलैग दोस्तों आपको नॉर्मली हर एक शॉप से मिल जाता है, और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ ग्रा बटर, जो कि हमारी बेबी के डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए बनाते हैं फीड और पहले बेबी को फीड करवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास गर्म पानी है, और अब हमने पानी कितना लेना है जितना हमने बेबी को फीड करवाना है। तो मैं बेबी को सिर्फ आधी सिरिंज फीड करवाता हूँ, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसका क्रॉप भी छोटा है, तो जैसे जैसे बड़ा होगा उसके हिसाब से वो फीड भी हम उसकी इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। ओके, ये देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है, और अभी मैं इसमें फीड बनाता हूँ। थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि फीड बनाने में हमें परेशानी ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी फीड ऐड करेंगे, देखें बिल्कुल थोड़ी सी, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे श्रीले। ये देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा, और इसके साथ हम ऐड करेंगे ग्रैब वाटर। ग्रैब वाटर बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपने, ये देख सकते हैं इतना सा आपने यूज़ करना है। और अब हम करते हैं इसको मिक्स। ओके, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देंगे, फिर हम अपने बेबी को फीड करवाएंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म फीड नहीं करवानी चाहिए, जैसे तेज़ गर्म फीड करवाने से बेबी के क्रॉप में जो है वो जल भी जाता है उसका क्रॉप, और जो है ना वो एक्सपायर भी हो सकता है बेबी, तो बहुत ही एहतियात करनी है आपने। फीड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस हम थोड़ा सा उसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम करवाते हैं बेबी को फीड।
तो ये दोस्तों सिरिंज में मैंने फीड भर ली है और अभी निकालते हैं बेबी को और फीड कैसे कराना है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। कैमरा थोड़ा सा करीब कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बेबी निकाल के दिखा देता हूँ। फिलहाल ये देख सकते हैं आप कि बेबी खुद ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव है। और कल ही कल में दोस्तों देख सकते हैं कि फीड मांगने लग गया और बहुत जल्दी इसकी प्री फ्लाइट ट्रेनिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मैं कैमरा करीब करता हूँ फिर इसको करवाते हैं। ये अभी आपने बहुत ही एहतियात से देखना है कि मैं कैसे इसको फीड करवाऊंगा और कितना इसके जो है मुंह में हमने जो ट्यूब उतारनी है गले में। और अभी आप देख सकते हैं ये रही ट्यूब और इसको बेबी को बहुत ही आराम से पकड़ना है ये देखें और इसके गले में ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता कर देनी है। देखें अपनी मर्ज़ी से ले गया, अगर आपके पास न्यू है तो एकदम से फीड नहीं लेगा लेकिन आपने थोड़े थोड़े उसके क्रॉप में फीड डालनी है ताकि उसको ताकि वो उसका यूज टू हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े से फीड ले रहा है, बहुत ही ध्यान से आपने इसको फीड करवानी है ये देखें। देखिए मज़े से ले रहा है बहुत ही। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि इसके क्रॉप आपको फुल नज़र आ रहा होगा लेकिन ये अभी भी फुल नहीं है, इसको मैं दबा के टच कर रहा हूँ तो ये अभी भी जो है इसमें थोड़ा सा नरम है। तो आप से ही भर देंगे तो पैरेट को हज़म करने में परेशानी होगी, तो आपने बहुत ही एहतियात से फीड करवानी है। तो चलिए कैमरा सीधा करते हैं। तो जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।